गेट एक ऐसा एग्जाम जिसके बारे में सबको कंफ्यूजन है। कोई बोलता है कि उसको रिसर्च के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, कोई बोलता है अगर जॉब चाहिए तो उसके लिए यूज़ करना है, कोई बोलता है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए गेट काफ़ी यूज़फुल है। तो क्या वाकई गेट एग्ज़ाम आंसर करना ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी है तो कौन से स्टूडेंट्स के लिए वो ज़रूरी है, इस बारे में आज का वीडियो होगा। जैसे कि आपको पता है कि गेट के डेट्स अनाउंस हो गए हैं, एग्जाम डेट्स अनाउंस हो गए हैं, तो फ़रवरी 1, 2, 15 और 16, 2025 में ये एग्ज़ाम इन डेट्स में होगा। जब तक ये वीडियो पब्लिक होता है तब तक तो इस एग्ज़ाम का ब्रोशर, जो भी बुलेटिन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो भी आ चुका होगा। गेट एग्ज़ाम जो है इसके बारे में मैंने पहले भी 2 वीडियोस बनाए हुए हैं, वो पिछले साल के गेट एग्ज़ाम के बारे में है, एक जो है वो एलिजिबिलिटी और गाइडलाइंस के बारे में है, और एक जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं उसके बारे में है। तो अगर आपको थोड़ा आइडिया लेना है, हालांकि वो इस साल का नहीं है, पर आपको बिल्कुल आइडिया आ जाएगा कि कैसे करना है, क्योंकि मैंने उसमें अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया है, तो वो वीडियोस आप चेक कर सकते हैं। आज का वीडियो स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कंफ्यूज्ड है कि गेट एग्ज़ाम आंसर करना है कि नहीं करना है। और अगर आपका जो कोई भी एम होगा उसके बारे में हम सब बात करेंगे, और अगर गेट एग्ज़ाम आंसर करना ज़रूरी है तो वो किन स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है और किन स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी नहीं है, इसके बारे में मैं पूरा खुलकर बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गेट क्लियर करने का सबसे बड़ा रीज़न जिसके लिए सब कूद पड़ते हैं वो है पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आपको मास्टर्स चाहिए, मास्टर्स का मतलब MA MTech ये बोल रही हूँ मैं, यूजुअली गेट जो है वो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन को केटर करता है, उनके नाम में ही इंजीनियरिंग है, जैसा कि नाम बताता है आपके कर्म भी बताता है, तो गेट एग्ज़ाम इंजीनियरिंग डिसिप्लिन को केटर करता है ME MTech। तो अगर आपने अपना BTech या BE किसी भी इंस्टीट्यूट में किया है, किसी नॉन IIT इंस्टीट्यूट में किया है, नॉन IISc, या आपको ऐसा लगता है कि आपको IIT में जाना है या अच्छे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में जाना है, तो गेट इसमें आपको हेल्प करेगा, क्योंकि IIT के सारे जो एडमिशन्स हैं, मैं ME MTech की बात कर रही हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन के, तो वो गेट परसेंटाइल के आधार पे होते हैं। तो अगर आपका ये गोल है, आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो और आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, इसके लिए गेट से बेहतर और कोई एग्ज़ाम नहीं हो सकता। दूसरी बात इस एग्ज़ाम के बारे में मैं बोलना चाहूँगी, ये आपके टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स को चेक करता है। जैसे एक तरफ एग्ज़ाम्स है जैसे नेट एग्ज़ाम, जो चाहे वो CSIR से हो या UGC से हो, किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की मैं बात कर रही हूँ, और गेट एक तरफ है। गेट आपके टेक्निकल एस्पेक्ट्स, जो भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, चाहे वो कोई भी डिसिप्लिन हो, तो वो चेक करता है। बाकी के एग्ज़ाम्स जो है वो थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट्स को चेक करते हैं। तो अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो और आपको चेक करना है कि आपके कॉन्सेप्ट्स सही बैठे हैं कि नहीं आपके दिमाग में, तो गेट एक अच्छा ऑप्शन है वो चेक करने के लिए। पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ कि गेट का जो है उसका थोड़ा ग्लोबल रिकॉग्निशन है। जैसे कि अगर आप नेट एग्ज़ाम क्लियर करो तो आपको जो कोई रिकॉग्निशन मिलेगा या जो कोई फैसिलिटीज़ मिलेगी वो इन द कंट्री, हमारे देश में मिलेगी, ठीक है। पर अगर आप गेट क्लियर करोगे तो उसका ग्लोबल रिकॉग्निशन है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर एंड नैनियांग यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, दैट ऑल्सो रिक्वायर्स गेट फॉर यू टू गेट एडमिशन्स, ओके। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको एडमिशन कहाँ पे चाहिए और किस कैटेगरी में चाहिए। तीसरा रीज़न जो है गेट क्लियर करने का वो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़, और मैं इसके बारे में बताऊँगी। ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, मैं अभी बताती हूँ कि वो क्या है, ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जैसे ये सारे कंपनीज अपने सिस्टम में रिक्रूटमेंट के लिए, जॉब के लिए गेट रिक्वायरमेंट रखते हैं, ना कि दूसरे कोई एग्जाम्स, ओके। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वो कंपनीज है
जिसमें 51% शेयर होल्डरशिप गवर्नमेंट का होता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर वो स्टेट गवर्नमेंट का हो। तो अगर आपका इंटेंशन ऐसे गवर्नमेंट जॉब या कोई भी ऐसा जॉब जिसमें गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग ज़्यादा है, ये मैंने कुछ ही कंपनीज के नाम दिए हैं यहाँ पर इससे भी ज़्यादा है, आप गूगल कर सकते हैं। और अगर आप किसी स्पेसिफिक कंपनी को टारगेट करते हैं तो उनके वेबसाइट पे तो ये ज़रूर लिखा होगा कि अगर आप ऐसे कंपनीज को टारगेट करते हैं तो डेफिनेटली आपको गेट क्लियर करना चाहिए। और एक बात मैं बता दूँ आपको, मैंने कुछ महीनों पहले एक वीडियो किया था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है उसमें इतना स्कोप है कि अगर आप ग्रेजुएशन भी करते हो तो भी आपको परमानेंट जॉब मिल सकता है। उसके लिए भी एक तो उनका खुद का एंट्रेंस होता है बार्क ऑनलाइन एग्ज़ाम, और दूसरा मोड ऑफ एंट्री है गेट एग्ज़ाम। तो अगर आप बार्क का एग्ज़ाम नहीं भी देते हैं पर आपका गेट का स्कोर अच्छा है तो आपको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जैसे रेप्यूटेड और रिनाउंड इंस्टीट्यूशन में परमानेंट जॉब मिलने का मौका मिलता है। इसके बारे में अगर डिटेल में जानना है तो वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं। चौथा रीज़न जो गेट क्लियर करने से आपका काम हो जाता है वो है फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब स्कॉलरशिप। अगर आप एमई या एमटेक के लिए एडमिशन ले रहे हो किसी भी इंस्टीट्यूट्स में, ना ही आईआईटी बस बट किसी भी इंस्टीट्यूट में, पर आपका एडमिशन अगर गेट स्कोर के ऊपर हो रहा है तो इसका मतलब आपको हर मंथ 2 साल के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा इतने अमाउंट का, ठीक है। तो ये पर मंथ आपको मिलेगा 2 सालों के लिए, ये आपको दिया जाएगा AICTE। तो इसके अलावा भी AICTE ने 2 अलग स्कीम्स लॉन्च किए हैं, जस्ट लास्ट मंथ ही ये सब हुआ है। तो एक है PhD के लिए और दूसरा है पोस्टडॉक के लिए। जो PhD का फेलोशिप है उसमें भी एक क्राइटेरिया जो है वो गेट एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो अगर आपको AICTE की तरफ से फेलोशिप चाहिए, चाहे वो PhD के लिए हो या वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एमई एमटेक के लिए हो, तो ये एग्ज़ाम सबसे इम्पॉर्टेंट है। छठा रीज़न है अगर आपको टीचिंग जॉब चाहिए, और टीचिंग में स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ एमई या एमटेक के लिए। अगर आपको इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स में टीच करना है, पढ़ाना है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, सिर्फ इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स की बात कर रही हूँ मैं, तब गेट ज़्यादा हेल्पफुल होगा। हालांकि कोई भी टीचिंग जॉब के लिए अभी नेट एग्ज़ाम ज़्यादा मैंडेटरी है, पर अगर आपको इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स में पढ़ाना है तो गेट एग्ज़ाम क्लियर करना आपका एक एड ऑन हो जाता है। ओवरऑल में अगर बात करूँ तो गेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपको प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में एडमिशन दिलाता है, इसके अलावा आपको स्टाइपेंड भी दिलाता है और जॉब अपॉर्चुनिटी भी दिलाता है। तो बात करते हैं, और मैं मेरा वर्डिक्ट भी बता देती हूँ कि कौन से स्टूडेंट्स ने ये एग्ज़ाम क्लियर करना चाहिए। तो अगर आपको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में जॉब चाहिए, मतलब आप रिक्रूटमेंट की तरफ देख रहे हैं या आप देख रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ एमई एमटेक, चाहे वो IITs हो या किसी और इंस्टीट्यूट भी हो, आपको स्टाइपेंड तो मिलेगा ही, तो ये 2 ऑप्शन है तो आपको गेट क्लियर करना चाहिए। अगर आपका गोल है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, एकेडमिक में पढ़ाना चाहते हो, या आपका गोल है PhD, आपको PhD के लिए एडमिशन लेना है, तो मेरे हिसाब से नेट एग्ज़ाम क्लियर करना ज़्यादा बेटर है आपके लिए। चाहे आप वो UGC करो, CSIR करो, किसी भी तरह का नेट या ICMR, ICAR, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देता है गेट के मुकाबले, क्योंकि गेट का भी फेलोशिप है जैसे कि मैंने बताया CSIR फंडेड का, पर वो CSIR लैब्स में ही है और उसके 120 वैकेंसीज ही निकलते हैं। पर अगर आप UGC या CSIR नेट कहीं पे भी क्लियर कर लो तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको वो स्टाइपेंड मिल जाता है। मेरे ख्याल से मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं और आपको पता चल गया होगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। हालांकि दोनों एग्जाम्स का सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर है, फिर भी जिस तरह से आप प्रिपेयर करते हो वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो नेट के लिए भी मैंने वीडियोज़ पहले बनाए हुए हैं, तो वो आप नेट प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो।
इस वीडियो में कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कर देना, मैं ज़रूर उसका जवाब देने की कोशिश करूंगी। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।